उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चर्चित विक्की त्यागी हत्याकांड का दूसरा आरोपी सौरभ मलिक कड़ी सुरक्षा के साथ मुजफ्फरनगर न्यायालय में बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए पहुंचा। आपको बता दें कि विक्की त्यागी हत्याकांड में क्या मामला है। फरवरी 2015 में उत्तर प्रदेश के चर्चित बदमाश विक्की त्यागी का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में सागर मलिक वाहवाड़ी ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी, जिसमें विक्की त्यागी की माता सुप्रभा त्यागी ने सागर व सौरव मलिक सहित एक दर्जन से ज्यादा लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में फरवरी 2015 में कोर्ट में हुए चर्चित कुख्यात विक्रम उर्फ विक्की त्यागी को भरी कोर्ट में जज के सामने सरदार के रूप में आए नए उभरते हुए शूटर सागर मलिक ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्यारे सागर मलिक को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था। ये वकील साहब पूरा नाम है जी, आज जो सागर मलिक आया था कौन से केस? सागर मलिक नहीं था, ये सागर मलिक का भाई था सौरभ मलिक। कौन से केस में की तारीख लिखी है? ये जो है विक्की त्यागी वाला जो हत्याकांड हुआ था जिसमें उसमें इसके जो है तलब होता है उसका वारंट बना, कस्टडी वारंट उसमें विक्की त्यागी वाले 443 2015 का केस है उसमें बना है। ये पहली बार केस पाया? हाँ, ये इस केस में पहली बार केस फेसी पाया है, कस्टडी वारंट पहली बार बना है इसका। अगली तारीख क्या लगी है? 16/7 लगी है, 16/7 2018। मुजफ्फरनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट।